नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों के साथ मैं शिवानी शर्मा हाजिर हूँ। खबर की शुरुआत से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वित्त मंत्रालय ने किया दावा, कोरोना महामारी के बड़े जोखिमों से उभर चुका है भारत, अब आर्थिक सुधारों पर फिर होगा जोर। प्रदूषण बढ़ने पर ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोरोना वायरस, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी जानकारी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर और 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज, हाथरस पहुंच, धारा 144 तोड़ने का आरोप। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के 14 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, 3 सितंबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार। डीके शिवकुमार पर एक्शन से भड़की कांग्रेस, कहा उपचुनाव से पहले येदियुरप्पा को बचाने में जुटी है बीजेपी। आगरा में भतीजों से बड़े भाई की मारपीट का विरोध करने पर शख्स की गला काट कर हत्या, आरोपी भतीजे फरार। मेरठ में अश्लील मैसेज भेजने वाले शख्स को महिला ने सिखाया सबक, घर बुलाकर की चप्पल से पिटाई। लॉकडाउन ने किया सहारनपुर के हास्य कलाकार प्रदीप पागल का बुरा हाल, घर चलाने के लिए बेच रहे हैं खाना। यूपी की सुरक्षा एजेंसियों का दावा, हाथरस के बहाने जातीय दंगे भड़काने की साजिश, रातों रात बनी एक फर्जी वेबसाइट। जेई एडवांस 2020 के नतीजे घोषित, 43,204 परीक्षार्थी पास, चिराग कनिष्का टॉपर। हाथरस के बाद अब राजस्थान के 12 रेप कांड पर राजनीतिक बवाल, जयपुर में सड़क पर उतरी बीजेपी। यूपी के उन्नाव जिले में आश्चर्यजनक मंजर, ऑपरेशन में मरीज के पेट से निकली 30 किले, पेचकस और लोहे का सरिया। बिहार के अररिया में पत्नी ने पड़ोसी से की शादी तो सदमे में पति ने खाया जहर, फेसबुक लाइव पर कहा मौत के बाद चाहिए इंसाफ। लोन मॉरेटोरियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी एक हफ्ते की मोहलत, सरकार से मांगा ब्यौरा। हाथरस पीड़िता को लेकर 2 मेडिकल रिपोर्ट, एक में रेप की बात, दूसरी में खारिज। यूपी सरकार का दावा, सीए की तर्ज पर हाथरस के बहाने दंगा कराने की थी साजिश। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का लीक्ड ऑडियो आया सामने, बोले सुशांत की हुई हत्या। नहीं रहे सपा नेता और पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव, 90 साल की उम्र में निधन। बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, मोदी सरकार ने किया ऐतिहासिक किसान बिल पास, कांग्रेस को हजम नहीं दोगुनी आय। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने घोषित किए उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे समेत कई नेताओं को दिया टिकट। हाथरस जिलाधिकारी पर कार्रवाई के लिए विपक्ष एकजुट, हटाने की मांग पर अड़ा। नोएडा में बड़ी मुठभेड़, गोलीबारी में घायल हुए 2 तस्कर, 45 लाख का गांजा बरामद। यूपी के महराजगंज में नाबालिग के साथ गैंगरेप, विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध कर रहे लखनऊ बिजली कर्मचारी, आज करेंगे कार्य बहिष्कार। मसूरी के कैंपटी फॉल में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं सैलानी। देश प्रदेश के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।